लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगे फ्लाइंग किस विवाद में एक नया बखेड़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब बिहार के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बेहद आपत्तिजनक तंज कस दिया। समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने फ्लाइंग किस विवाद में ये कहते हुए नए तरीके का विवाद जोड़ दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भला 50 साल की महिला को फ्लाइंग किस क्यों देंगे। इतना ही नहीं, विधायक नीतू सिंह ने बेहद आपत्तिजनक तरीके से अपने बयान में आगे ये भी कहा, क्या उनके पास युवा लड़कियों की कोई कमी है। इसके साथ ही नीतू सिंह केंद्र की सत्ता की अगुवाई कर रही भाजपा पर आरोप लगाती हुई नजर आई कि वो फ्लाइंग किस को इस तरह हवा दे रही है ताकि विपक्ष के सबसे सशक्त नेता राहुल गांधी की छवि जनता के बीच खराब हो जाए। कांग्रेस विधायक ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं, अगर उन्हें फ्लाइंग किस देना होता तो वो किसी लड़की को देते। राहुल जी भला स्मृति ईरानी जैसी 50 साल की बूढ़ी महिला को क्यों देंगे। राहुल गांधी पर लगे ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस महिला विधायक द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है और उसने आरोपों के कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खींच लिया है। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह की जमकर आलोचना की और स्मृति ईरानी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को शर्मनाक बताया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ पार्टी के एक अन्य नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है और वो अपने नेता राहुल गांधी के बचाव में किसी भी हद तक जा सकती है, जिसका उदाहरण कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह ने अपने बयान से दे दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।